ये कसार देवी का व्यू, या होम स्टे ही होम स्टे बने हैं, अब होटल्स हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं। धोली गांव है कसार देवी में ही, रोड थोड़ा भी कच्ची है, लेकिन सारे होम स्टे ही होम स्टे बने हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम ये मेन रोड पर आने वाले हैं, अल्मोड़ा बागेश्वर वाली रूट में, ज़्यादा नहीं है। ये भी सब होम स्टे बने हैं, होटल्स बने हैं, अच्छा साधन है रोजगार का यहाँ पे गाँव वालों के लिए। फार्म हाउस बेकरी कैफे, हम मेन रोड पर आने वाले हैं। ये मेन रोड से हम कनेक्ट हो गए हैं, अल्मोड़ा बागेश्वर रोड। पूरा कसार देवी है, आगे मोहन कैफे है, इधर फ्रीडम गेस्ट हाउस है, रेस्टोरेंट है। होटल्स बन चुके हैं अपन ने, ये मोहन कैफे है, उनकी गाड़ी की पार्किंग है मोहन कैफे की, काफ़ी अच्छा चलता है मोहन कैफे। और भी नए बन रहे हैं अभी मोहन, यहाँ से 5 किलोमीटर है। ये भी सब होटल है, ये नया होटल क्लाइम मनीषा करके, थोड़ा कोहरा लगा वरना बहुत अच्छा हिमालय भी आता है यहाँ से पूरा, इंपीरियल हाइट्स करके यहाँ पे।
वालों से नियर अबाउट 8-9 किलोमीटर के आसपास है। सारी दुकानें हैं यहाँ पर, कैफे अवेलेबल हैं। ये डोलमा होटल है, रेस्टोरेंट है, काफ़ी पुराना है ये भी। प्यारा नज़ारा है कसार देवी से। पूरे गेस्ट हाउस बने हैं यहाँ पे, होम स्टे हैं, अति बढ़िया है। पूरा गांव है नीचे, नीचे तक होम स्टे बने हैं यहाँ पे। हेलो, मेरा नाम सूरज है और मैं कसार देवी में अपना एक होम स्टे रन करता हूँ जो कि राम सिंह होम स्टे के नाम से। एंड राम सिंह होम स्टे मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया था इन 1978। तो ऑन डॉक्यूमेंट हमारे पास ये प्रूफ है कि 1978 में हमने ये शुरू किया था, बट हो सकता है उससे पहले से ही कोई शुरुआत हुई हो। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस, मतलब हिप्पी कल्चर, हिप्पी हिल बोलते हैं कसार देवी को, तो उन्होंने ही यहाँ पे हिप्पी कल्चर की शुरुआत हिसाब से की है। एंड पहली चाय शॉप से उन्होंने शुरुआत की थी, देन धीरे धीरे करते हुए एक रेस्टोरेंट तक वो आए, एंड घर पे फिर अपना खाना खिलाना और फिर अपने रूम्स वगैरह, गेस्ट हाउस वगैरह, ये सारी चीज़ें सर्विसेज उन्होंने बाद में धीरे धीरे करके ऐड की। तो कह सकते हैं कि वो एक पहले पर्सन थे जिन्होंने कसार देवी में टूरिज़्म की शुरुआत की। एक रेस्टोरेंट पहला उनका था, चाय की दुकान उनकी थी, लाइब्रेरी उन्होंने इस्टेब्लिश पहली यहाँ पर करी है, पहला होम स्टे के लिए उन्होंने शुरुआत की। इवन हो सकता है कि जो कोई पहला टूरिस्ट आया हो इस इलाके में, उन्होंने उसे बात की हो और समझाया हो जगह के बारे में। वैसे तो वो पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, बट ही नो कि कैसे सामने वाले को मैनेज किया जा सकता है, तो वो डील भी विदेशियों के साथ ही करते थे, तो उन्हीं से सीखा है। अब तो वो यहाँ रहे नहीं हैं इस दुनिया में, एंड उनके बाद आफ्टर माय फादर एंड देन अभी मैं इस प्रॉपर्टी को संभाल रहा हूँ। एंड धीरे धीरे अपने जगह को एंड अपने कल्चर को साथ में लेते हुए और हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड होप कि सब कुछ अच्छा हो और हम अपने आसपास, अपने इलाके में एंड अपने उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए कुछ ना कुछ योगदान करते रहे, अपने कल्चर को प्रमोट करें। एंड बाकी जितना हो सके हमसे, हम आसपास के लोगों को, वुमेन्स को, गांव के गरीब लोगों को अपनी तरफ से जो भी सहायताएं प्रदान कर सकते हैं, बेरोजगारी को थोड़ा सा रखते हुए हम किसी इस सेक्टर से जोड़ के उन्हें रोजगार वगैरह दे सकते हैं, तो वो हम पूरी कोशिश करेंगे इन फ्यूचर। अभी हमसे जितना हो सकता है हम करते भी हैं, एंड आगे हम इसे बड़े स्केल पे करने की सोचते हैं, ये अपना ड्रीम है। बाकी पूरे उत्तराखंड में यही शांति के साथ सभी लोग यही काम करें और यही हमारा संदेश है।